Dreaming in the dark, we are nothing more than dust. Search, but you stay lost. हेलो एवरीवन वेलकम टू चैनल गेर एंड फोटेक आज का हमारा कंटेंट एन जी आस्टर के ऊपर होने वाला है एंड ये आस्टर एन जी का एक काफ़ी ज़्यादा नया प्रोडक्ट है इनोवेटिव प्रोडक्ट है मैं यहाँ पे ये कहूँगा आप डैशबोर्ड पे ही देख सकते हैं पर्सनल एआई असिस्टेंट दिया दिया गया है इस गाड़ी को जो सबसे ज़्यादा अलग करता है वो इसका ए असिस्टेंट ही है अगर बात करें इसके कुछ फीचर्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके हेड लैम्प्स की हॉकाई डिज़ाइन में इसकी हेड हेडलैप्स हैं यहाँ पर एल टेल लैम्प्स हैं यहाँ पर आपका प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स का क्रिस्टल्स का सेटअप आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको पॉगलैप्स मिल जाते हैं कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ ये एक अच्छी चीज़ है लाइक like, अगर आप लेफ्ट साइड ले रहे हैं या राइट साइड ले रहे हैं तो कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आपके पॉगलैप्स एक्टिवेट हो जाएंगे अब बात करते हैं इसकी ग्रिल की तो इसकी ग्रिल काफ़ी ज़्यादा मैसिव है इसे बोल्ड सेलेस्ट्रियल ग्रिल कहते हैं इससे इंजन की कूलिंग भी काफ़ी बढ़ जाएगी और जो इस गाड़ी का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रहा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली अगर नीचे की तरफ बात करें यहाँ पे बम्पर्स की तो बम्पर्स का भी जो फील एंड टच दिया गया है वो काफ़ी स्पोर्टी फिनिश के साथ दिया गया है सनाल टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ़ द कार अगर साइड प्रोफाइल की यहाँ पे बात करते हैं तो आप एलोइज़ का सेटअप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मशीन कट एलआइज़ मिल जाते हैं सबसे खास बात इस कार की ये दी गई है कि इसमें सेफ्टी का ख्याल पूरा रखा गया है आपको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं रियर में भी डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं उसी के साथ अगर ओ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं विथ थ्री व्यू कैमरा ये भी एक अच्छी चीज़ है अगर आगे बात करें यहाँ पर तो डोर हैंडल्स पर ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल रहे हैं और हमेशा की तरह मैं आपको बिल्ड क्वालिटी फील कराना चाहूंगा आप बिल्ड क्वालिटी को फील कर सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं की दी गई है अगर आगे की तरफ यहां पे बात करें तो यहां पे आपको क्वार्टर ग्लास का पैनल दिख जाता है इसकी वजह से कैबिन जो होता है वो आपका थोड़ा रूमी हो जाता है आपको ऐसा लगता है कि जो पैसेंजर्स अंदर हैं वो थोड़ा रूमी हो जाता है एंड इट ऑल्सो एनहसेज द लुक्स अगर आगे की तरफ यहां पर बात करें तो आप टायर का साइज आपकी स्क्रीन के ऊपर है डिमेंशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है सो सोनाओ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द रियर प्रोफाइल ऑफ एम जी एस्टर अगर एस्टर की यहाँ पे रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो ऊपर की तरफ आपको रूफ रिल्स देखने को मिल रहे हैं शाक पे एंटीना देखने को मिल रहा है ये दोनों चीज़ें आपको हाईवेज पे काफ़ी ज्यादा हेल्प करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी देते हैं अच्छी बाकी अगर आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप स्टॉपलाम मिल रहा है डिफॉगर मिल रहा है वाइपर एंड वॉशर मिल रहा है विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी कर देता है एंड उसी के साथ अगर हम बात करते हैं टेल लैम्प्स की तो यहाँ पे टेल लैम्प्स की जो डिज़ाइन है काफ़ी एलिगेंट है मुझे अच्छी लगी पर्सनली मुझे अच्छी लगी बाकियों का क्या कहना है मुझे नहीं पता <laughs> यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं उसी के साथ यहाँ पे सेंटर में आपको आस्टर की बाजिंग मिल जाती है ये भी एक अच्छी चीज़ है सेंटर में आपको आस्टर की बाजिंग मिल जाती है यहाँ पर ऑक्टिगन एम का लोगो मिल जाता है विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग एंड इस लोगो की एक और ख़ास बात है याद होगा आपको वी डब्ल्यू में आपकी जो बूट है वो भी यहीं से ओपन होती थी एग्जैक्टली सेम चीज इसमें भी वही है वही स्मार्ट इनोवेशन इसमें भी दिया गया है एंड दिस इज आउ द बूट ओपन इसका बूथ स्पेस काफी मासिव है अगर अपना बूथ स्पेस आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ जाता है आपकी जो सीट्स हैं रियर सीट्स वो 60 एंड 40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती हैं एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको बूट की लाइट मिल जाती है इस साइड आपको जेड की बाजिंग मिल जाती है अब जेड की बाजिंग मिलती है थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगा जेड की बाजिंग एम की एक गाड़ी आती है जेड एस वो एक इलेक्ट्रिक कार है एंड क्रैश टेस्ट में उसने फाइव स्टार स्कोर किए हैं सेम उसी प्लेटफॉर्म पर जेडेस आस्टर भी बेस्ड है यानी कि वो गाड़ी तीस लाख की ये गाड़ी हमारी चौदह लाख की बिल्कुल मानता हूँ जायज़ बात है उसमें आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है बैटरी है सब कुछ है बट बिल्ड क्वालिटी सेम दैट मीन्स कि एम कभी भी कभी भी सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं है तीस लाख की गाड़ी में भी वही बिल्ड क्वालिटी दे रहा है जो आपको चौदह लाख की गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी दे रहा है सो so, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है और मैं हमेशा माइलेज से ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी के ऊपर फोकस करता हूँ अब अगर बात करते हैं यहाँ पर बम्पर्स की तो यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड उसी के साथ पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है आगे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको रेयर फॉग लैंप मिलती है जो कि एक और एक सेफ्टी फीचर है अक्सर हमने गाड़ियों में देखा है इस से, सेगमेंट की कोई भी गाड़ी हो सेल्टॉस हो कोशाक हो टाइगून हो या फिर आपकी आ, क्रेटा हो वो सारी ही गाड़ियाँ आपकी जो हैं ये इतने सेफ्टी फ़ीचर्स के साथ नहीं आती हैं। हैंट्स क्विकली जम्प रियर इंटीरियर्स ऑफ द कार इसका डोर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होता है अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नी रूम की तो नी रूम काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है अंडाई सपोर्ट भी अच्छा है एंड हेड रूम भी अच्छा है डिसेंट है तो मेरे एस्पेक्ट में रियर सीट्स के लिए कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है उसी के साथ यहाँ पर आपके कप होल्डर्स इस तरफ आपके जो हैं वेंट्स हैं विद टू चार्जिंग पोर्ट्स एंड यहाँ पे आपके तीन हेडरेस्ट हैं तो बात कर लेते हैं आस्टर के बारे में यहाँ पे कुछ यानी कि ये हमारी छोटी सी जो पिनकुसी सी डिवाइस है ये या कह कहूँ ये रोबोट ये क्या करता है काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी डिवाइस है एंड काफ़ी अच्छा और इं इंटरेक्टिव भी लगता है जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहता हूँ हेलो आस्टर आई एम लिस्टिंग टेलमी अ जोक Before you bought this car, I was a full time stand up comic. But then I had to quit my passion to take care of you. Now you are just rubbing salt on my wound by asking me to tell jokes. What else can I help you with? Tell me something about MG. That's awesome. MG, also known as Morris Garages, is a British mark, born in 1924, which gained popularity for its sports cars. MG has presence around the globe and its octagon is one of the most recognized badges in the world. MG, today is known for its innovation in Autotech and bringing in latest Autotech. What else can I help you? तो इस तरह से आपके कुछ वॉइस कमांड्स को फॉलो करता है आपसे चैट करेगा तो बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि आप अकेले ड्राइव करते हुए जा रहे हैं एंड यू आर लोन यू जस्ट लिसनिंग द म्यूज़िक बट यू वॉन्ट सम वडी और समथिंग दैट यू कैन इंटरैक्ट विद तो येस yes, ये हमारे पास ये चीज़ है जिससे कि आप इंटरेक्ट कर सकते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड उसी के साथ ये हमारे कुछ कमांड्स भी फॉलो करता है जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ड्राइवर साइड विंडो डाउन या ओपन विंडो ओपन सन सन रोफ तो ये सारी चीज़ें करता है एंड अगर ये आपका जी से कनेक्टेड रहता है तो आप इस पर कुछ और कमांड्स दे करके आप उस लोकेशन पर भी पहुँच सकते हैं जो कि एक और अच्छी चीज़ है अब बात कर लेते हैं मेन हेड यूनिट की इसकी तो यहाँ पे जो इसका हेड यूनिट है वो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आपको रेडियो का ऑप्शन मिल जाता है एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो जियो सावन का एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है क्योंकि इस कार में आपको जियो का सिम मिलता है प्री इंस्टॉल्ड ये भी एक अच्छी चीज़ है जियो का सिम मिल रहा है तीन साल का सब्सक्रिप्शन आपका फ्री है एंड यहाँ पे आपको शॉर्ट पीडिया का भी ऑप्शन मिल रहा है जिसमें कि आप अपने न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं शॉर्ट पीडिया का आप न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं एंड आप उसके हिसाब से अपना डिस्कवर कर सकते हैं कि जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है लाइक ऑल न्यूज़ में इंडिया में या जो भी जो भी चीज़ है ऑटोमोबाइल लाइक मेरा मेरा हमेशा से ऑटोमोबाइल रहा है तो मैं ऑटोमोबाइल ही सुनता हूँ तो यस ऑटोमोबाइल में आप रह सकते हैं उसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाते हैं मोर पे क्लिक करते हैं इस कार की जो सबसे अच्छी चीज़ या इनोवेटिव चीज़ मुझे लगी लिटरली वो मुझे इसकी व्हीकल की सेटिंग्स में लगी सबसे ज़्यादा तो मुझे लगा इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं खैर इस सेगमेंट में आने के में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल रहा है अच्छी चीज़ है बट ये जो इस गाड़ी का मेन हाईलाइट है वो ये लाइक मैं कार ड्राइव करता हूँ और मैं ड्राइविंग एंथोजियास्टिक पर्सन हूँ मुझे ड्राइविंग में बहुत कंफर्ट भी चाहिए कभी भी मैं कार या तो कभी या तो स्पोर्ट्स वे में चलाता हूँ या फिर कभी कार में बहुत ज़्यादा नॉर्मली चलाता हूँ तो मुझे कार की स्टेयरिंग के मोड्स यहाँ पे मिल रहे हैं यानी कि मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कार में आपको डायनेमिक नॉर्मल एंड अर्बन मोड्स मिल रहे हैं लाइक हाईवेज़ पे जब आप चलते हैं या फिर आप सिटी ड्राइविंग करते हैं या नॉर्मल आपकी ड्राइविंग रहती है तो उसके हिसाब से आप अपने ड्राइविंग मोड्स के हिसाब से आप अपनी गाड़ी की स्टेयरिंग को चेंज कर सकते हैं काफ़ी इनोवेटिव चीज़ दी गई है मुझे ये पर्सनली अच्छी लगी क्योंकि अदरवाइज़ आप किसी और कंपनी में जाते हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी आपको ये सब चीज़ें मिसिंग मिलती हैं जो कि एम जी यहाँ पर काम करता है उसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ चीज़ें आपके साथ आप और भी इसमें जो यूज़ कर सकते हैं जैसे कि एस्टर की आप इसमें यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपके पास सारी सारे ऑप्शन हैं कस्टमाइजेशन के कि आपके पास कोई भी चीज़ ये नहीं है कि जो कंपनी से प्री इंस्टॉल्ड है या जैसे हमारा प्री इंस्टॉल सारी चीज़ें आती हैं आप उसे कर सकते हैं नहीं आप हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा वो एक अच्छी चीज है जैसे कि अगर यहां पे अगर हम छोटी सी चीज देख लें तो ये आपका जो डिस्प्ले है इसका भी आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं डे एंड नाइट पे चेंज कर सकते हैं इवन आपका जो डिस्प्ले है उसमें आप अपने लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पे जो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे लगा